कितनी बदबू आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मकामी हुकूमतों के पास सफाई, सुथराई और डेवलपमेंट के लिए पैसे क्यों नहीं होते। वैसे मुझे तो ये भी नहीं पता कि लोकल गवर्नमेंट का बजट कैसे बनता है। चलो जी, सब लोग 50-50 रुपए निकालो, बिल देना है। मैंने ये समोसा ऑर्डर ही नहीं किया था, इस बिल में शामिल क्यों हुआ है? मैंने तो पानी की बोतल मंगवाई है, इसी के पैसे देने हैं। ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक हो गया है, हर कोई अपने ऑर्डर के मुताबिक पैसे देना चाहता है। इसी तरह से मुकामी हुकूमतें भी काम करती हैं, तो मैं इसी की मिसाल को बनाकर लोकल गवर्नमेंट के बजट के बारे में समझाती हूँ। मुकामी हुकूमतों के दो काम होते हैं, एक इंतज़ामी और दूसरा माली। मैं भी ये दोनों काम कर रही हूँ। आप सबकी मर्जी से ऑर्डर दिया गया और फिर मैंने पैसे लेकर ढाबे का बिल अदा कर दिया। हुकूमत भी ऐसे ही चलती है। तो मुकामी हुकूमतें और क्या क्या काम करती हैं? उनके कामों में म्यूनिसपैलिटी, पानी, सेहत, तालीम और बिजली वगैरह का इंतजाम शामिल है, और इसके अलावा वेलफेयर के काम भी। तो ये इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं और उनकी इस्तेमाल कैसे होता है? टैक्स के इदारों की मदद से। देखो, अवाम से तिजारती टैक्स, तफरीही टैक्स और दीगर मकामी टैक्स लगाकर ये आमदन हासिल होती है, और इससे लोकल गवर्नमेंट अपना सालाना बजट बनाती है। इस बजट में इनके अखराजात, नए मंसूबे, अधूरे मंसूबे, मरम्मत वगैरह के लिए पैसे रखे जाते हैं। अच्छा फहीम, तो आपने 2 प्लेट चिप्स लिए थे ना? जी। फरवा, 1 समोसा? हाँ जी। और शबास, आपका सिर्फ पानी था? बिल्कुल। ये लें आपका बिल। और इस तरह लोकल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, और हमारे ही टैक्स के पैसों से हमारे मकामी मसाइल जल्द अज जल्द हल करने की पाबंद होती है।